ஐந்து நாட்கள் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்பொழுது காணலாம். इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है, मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है, ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है।
किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है, लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में
यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़कर के नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां, अनेक पहरवेश हैं, अनेक खान पान है, सदन के अंदर सब कुछ है। और समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं इतने सालों में, 7,500 से करीब करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है दोनों सदन की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इस सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला था। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे जबकि उनकी उम्र 93। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है, हम सब ने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारे यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सदन सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया, आवश्यकता पड़ी डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था, बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि पहले कभी हम देखते थे
कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंटर हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है, वैसे उनको सदन में आने की आदत, इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते भी मन करता है जरा चलो एक चक्कर काट ले। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है, ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, पचासों। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया, और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा, और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है, इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई, और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहां जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति, और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ जी कोविंद, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक, एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए, और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे,
ये सदन दर्द से भर गया जब देश को तीन अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को, किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा, कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी, न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिस जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का यह सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली,
आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली है। अरे एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों के कम से भी समय उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है, हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं यह सदन भी उस 7,500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं
उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया जाएगा, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी, बाबा साहब अंबेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा। औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी, और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्रहित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी, सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है।
आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा, गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफलता। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे, और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए, और दुनिया के लोगों का आज भी ऐतराज होता है, ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था, ये भी इसी सदन में। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारी देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई बीपी सिंह, एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तर गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं, 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी, इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्वस्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी वही, और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया, एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है, संविधान सभा ने उस समय
अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है, कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर के अब कैंटीन में खाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद जिन्होंने एमपी लीड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्व जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद है उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिला। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पर्व है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही। नेहरू जी के योगदान का गौरव गान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन के ऐसी मधुर यादों को यहां हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है, इसका भाव लोगों के तक पहुंचे, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं, भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक एक ईंटे को प्रणाम करता हूं। और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को, उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन, सदन की सीख, अनुभव, यहाँ की प्रेरणा, यहाँ की गूंज के बारे में व्यक्त किया है। मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आज का दिन इसी तरीके से सकारात्मक वातावरण में हम चर्चा करें, सकारात्मक विषय रखें और जो कुछ भी यहाँ से सीखा है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी इस देश को, लोकतंत्र को दिया है, उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी।